जो लोग टेस्टिंग वीडियो का वेट कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करेंगे स्टेबलाइजर की टेस्टिंग। इस टेस्टिंग से हमें काफी चीजें पता लगेंगी। पहली बात कि जो इनपुट वर्किंग रेंज स्टेबलाइजर के स्टिकर के ऊपर लिखी जाती है उसका क्या मतलब होता है, और क्या उस वर्किंग रेंज के ऊपर स्टेबलाइजर काम करता है या नहीं करता है, और जो आउटपुट रेंज होती है वो किस तरह से वैरी करती है। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें इस स्टेबलाइजर के अंदर अलग अलग वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी कि वोल्टेज कम करके भी इसको चलाना पड़ेगा और ज़्यादा करके भी चलाना पड़ेगा। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये टेस्टिंग की वीडियो दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अधूरी जानकारी मिले, इसीलिए पहले मैंने ये वीडियो बनाया जिससे आपको पता चलता है कि स्टेबलाइजर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर ये वाला वीडियो बनाया जिसमें आइडियल आउटपुट वर्किंग रेंज बताई किसी भी एसी को ठीक से चलाते रहने के लिए। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देखे हैं तो आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोज आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टेस्टिंग के लिए सारी चीजें रेडी हैं हमारे पास, और आप देख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज आ रही है वो 230 आ रही है, 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और 230 वोल्ट से ही हम पहले इसको चेक करेंगे और उसके बाद वोल्टेज कम या फिर ज्यादा करके देखेंगे। तो 230 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर पहले इसको चलाते हैं। इसका ये सॉकेट जो है यहाँ पर मैंने लगा लिया है, तो चलिए इसको ऑन करते हैं पहले। तो जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर टाइम डिले जो इसके अंदर रिले लगाई है वो काम करती है, 5 सेकंड का टाइम डिले सिस्टम है इसके अंदर, और उसके बाद ये रीडिंग्स दिखाता है हमें। तो जो रिलेज इसके अंदर लगी हुई हैं, मैंने आपको दिखाया था जब मैंने ओपन स्टेबलाइजर आपको दिखाया था, तो उसके अंदर कई तरह की रिले लगी रहती हैं। वो रिले इनपुट वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकती हैं और आउटपुट वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकती हैं। तो वो समझाता हूँ मैं कैसे काम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इनपुट जो दे रहे हैं वो 230 वोल्ट की दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी एसी के लिए 200 से 245 के बीच में वोल्टेज सप्लाई अगर कोई स्टेबलाइजर दे रहा है तो वो एसी ठीक चलता रहेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आप 230 वोल्ट आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, 230 ही आउट कर रहा है लेकिन इन 212 ले रहा है। तो यानी इसके अंदर जो रिले लगी हुई है वो 230 को 212 या 11 पे इनपुट ले रही है, यानी कि इनपुट को एडजस्ट किया जा रहा है ताकि आउटपुट हम उतनी ही दे सकें जितनी आ रही है, क्योंकि ये आउटपुट बिल्कुल ठीक रहेगी किसी भी एसी को चलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं जब यहाँ पर इनपुट बिल्कुल ठीक आ रही है तो ये आउटपुट बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन अपनी इनपुट को एडजस्ट कर रहा है रिले की मदद से। तो अब हम इसको वोल्टेज डाउन करके टेस्ट करेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे वोल्टेज अप करके। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता देता हूं कि ये जो स्टेबलाइजर है इसकी वर्किंग रेंज है 150 वोल्ट से 280 वोल्ट तक। तो इसको हम 150 तक लेके जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कितना आउटपुट देता है, और फिर 280 तक भी लेके जाएंगे। तो चलिए यहां पर अब आप देखिए, इसको हम कम करते रहते हैं तो आपको यहां पर देखना है क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अब इसको धीरे धीरे 220 पे लेके आते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं 220 की सप्लाई मैंने यहां पर कर दिया, यानी कि इनपुट जो है वो 220 का इसके अंदर जा रहा है, लेकिन ये स्टेबलाइजर आउट कितना कर रहा है, ये स्टेबलाइजर आउट कर रहा है 220, क्योंकि 220 230 ये सब बिल्कुल ठीक वोल्टेज सप्लाई है किसी भी एसी को चलाने के लिए। तो यहां से इसको 220 मिल रही है तो यहां भी ये 220 दे रहा है और अपनी इनपुट को एडजस्ट कर रहा है, 204 पे ये अपनी इनपुट को एडजस्ट कर रहा है। यानी कि ये स्टेबलाइजर इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि इसको 204 इनपुट मिल रही है और ये उसको 220 बनाकर आगे आउटपुट दे रहा है। इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमें आउटपुट अपने एसी के मुताबिक ठीक मिल रही है। अब इसके अंदर जो रिले लगी हुई है वो क्या करती हैं, इनपुट को एडजस्ट करें आउटपुट को एडजस्ट करें, हमें मतलब सिर्फ इतना है कि आउटपुट हमें 200 से 245 के बीच में मिलनी चाहिए। तो चलिए अब वोल्टेज और कम करके देखते हैं। तो अब इसको 200 या 200 से भी नीचे ले चलते हैं,
तो यहां पर वोल्टेज सप्लाई मैंने 195 के आसपास कर दी है, आप देख सकते हैं 195 अब यहां पर इनपुट आ रहा है इस बोर्ड के अंदर, और इस स्टेबलाइजर में भी 195 की सप्लाई जा रही है। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि 196 की ये इनपुट ले रहा है, आप देख सकते हैं 195.12 है, और यहां पर भी ये 196 आपको शो कर रहा है। और अब इसकी आउटपुट कितनी मिल रही है, 230, यानी कि इसके अंदर अब 195 या 196 की सप्लाई आ रही है जब, तो ये उसको 230 में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपके यहाँ पर अगर 195 सप्लाई आएगी तो उसमें ये 230 सप्लाई दे रहा है, जो कि ठीक है बिल्कुल। अब और कम करके देखते हैं, तो इसको हम 180 पर ले जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 180 वोल्ट की सप्लाई हमने इसमें दी है, तो ये इनपुट दिखा रहा है 182 और आउटपुट दिखा रहा है 213, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसके अंदर 180 वोल्ट जब आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा आपके एरिया में, तो 180 वोल्ट से भी अगर सप्लाई आ रही होगी तो ये उसको 213 बनाकर आउटपुट में देगा, और उससे हमारा एसी ठीक से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसको और कम करके देखते हैं, क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 150 से काम करता है, तो क्या 150 वोल्ट पर भी ये 200 वोल्ट की सप्लाई देता है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले इसको 70 पर लेकर चलते हैं, मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर स्टेप आपको समझा सकूं। तो आप देखिए, आप यहां पर 170 की मैंने सप्लाई सेट कर दी है, तो इसके अंदर जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 172 के हिसाब से, और जो ये आउटपुट दे रहा है ये 202 वोल्ट का दे रहा है। तो यानी कि 170 इनपुट आ रही है और 200 के आसपास या 201, 202 के आसपास ही आउटपुट दे रहा है। तो यहां पर अब आप एक बात समझ लीजिए कि ये 200 वोल्ट की जो सप्लाई है ये मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए ठीक से एसी को चलाने के लिए। तो अब यहां पर आपको एक और चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो स्टेबलाइजर है 150 वोल्ट से जिसकी वर्किंग रेंज है, ये एक्चुअली 150 से 200 नहीं करेगा, क्योंकि ये 170 पे 200 दे रहा है। तो इसको आप 150 से नहीं बोल सकते एक्चुअल रेंज इसकी, बट हाँ वर्किंग रेंज कंपनी लिखती है, बहुत स्मार्ट होती हैं कंपनीज, तो वो वर्किंग रेंज लिखती हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें 150 की सप्लाई भी देंगे तो भी आउटपुट देता रहेगा, लेकिन वो आउटपुट क्या हमारे एसी के किसी काम की है तो वो हम अभी देख लेंगे। तो बहरहाल आपको यहां पर ये पता लग गया कि ये जो स्टेबलाइजर है 150 से उठाने वाला, 150 से, 150 से नहीं उठा रहा है, ये उठा रहा है 170 से, 170 से ये 200 कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको और कम करते हैं, अब इसको 150 पे ही ले चलते हैं, तो मैं धीरे धीरे करूंगा क्योंकि इसमें लो कट ऑफ भी है, तो वो कट भी हो सकता है, वो भी हमने चेक करना है कि कितने पे कट होएगा ये। तो ये देखिए, आप मीटर पे देखते रहिए, 150 मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, यानी कि अब इसके अंदर हम 150 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा 153 के आसपास ये रीडिंग दे रहा है, और आउटपुट ये कितनी दे रहा है 179। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 150 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ये सिर्फ 180 वोल्ट ही आपको दे पाएगा, जो कि आपके एसी चलाने के लिए ठीक नहीं है, आपका एसी उससे ख़राब हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक सेकंड के लिए ऐसा हो तो एसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर 2-3-4-5 मिनट ऐसे चलता रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम कोई ना कोई आएगी ही, उसको लो वोल्टेज पे नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए ये जो स्टेबलाइजर है ये 170 से तो सही काम कर रहा है, लेकिन 150 से ये काम ठीक नहीं कर रहा है, अगर मैं एसी की बात करूं तो। हालांकि इस स्टेबलाइजर की अगर मैं बात करूं तो ये ठीक काम कर रहा है, ये 150 पे भी इसको वोल्टेज को अप कर रहा है, आप मान सकते हैं कि लगभग 30 वोल्ट ये उठा रहा है, बट हमारे एसी के लिए वो ठीक नहीं है, ये एक अलग बात है। तो अब इसका लो कट ऑफ चेक कर लेते हैं, तो जैसा कि इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि ये 150 से काम करता है, तो अब अगर मैं 150 से कम करूंगा तो इसको बंद हो जाना चाहिए। तो चलिए अब इसकी वोल्टेज कम करके इसका लो कट ऑफ भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसकी वोल्टेज कम करी तो आप देख सकते हैं, आप वोल्टेज यहाँ पर लगभग 130 के आसपास मैंने कर दी है, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है इनपुट लो वोल्टेज, यानी कि ये अब सप्लाई नहीं दे रहा है, इसका लो कट ऑफ जो स्विच है वो काम कर रहा है, यानी कि ये आगे अब सप्लाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर जो सप्लाई है 130 से है। तो अब इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ और देखते हैं ये कितने रीडिंग पर शुरू होगा।
इतने डिटेल से आपको शायद ही कोई वीडियो बनाकर दे पाएगा, इसीलिए ही मैं आपको लंबी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक एक डिटेल में सारी चीज़ें बता सकूँ। आप देख सकते हो 140 पे हम आ गए हैं तो भी ये लो दिखा रहा है, तो धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। 145 पे आ गए हैं हम तो भी ये लो दिखा रहा है। आपको एक कट की आवाज़ आएगी, गौर से सुनिएगा। वो कट की आवाज़ आने का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो रिले है वो काम करनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही वो कट की आवाज़ आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि ऑन हो गया, और यहाँ पे भी आपको खैर पता लग जाएगा। तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये आवाज़ आई। तो 150 पे जैसे ही मैंने सप्लाई सेट करी तो ये ऑन हो गया। तो ये 150 से वर्किंग रेंज है इसकी, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन हमें बेसिकली 200 से 245 के बीच में जो चाहिए आउटपुट, उसके लिए इसको मिनिमम 170 वोल्ट की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अगर उससे नीचे जाएगी तो ये आउटपुट को भी कम कर देगा। तो अब इसका 150 वाला यानी कम वाला वोल्टेज तो हमने चेक कर लिया है, अब इसको वोल्टेज बढ़ाकर देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, क्योंकि कंपनी कहती है कि 280 वोल्ट तक इसकी रेंज जाती है। तो अब इसकी वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हो मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ये 200 से ऊपर जा चुकी है, और हमने इसको 230 से चेक करना शुरू किया था, तो मैं अब इसको 240 या फिर 250 पर ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 250 की इनपुट मैंने सेट कर दी है। अब इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो 250 वोल्ट के हिसाब से आ रहा है, और ये दिखा रहा है 252 के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आउटपुट यहाँ पर ये 231 कर रहा है, यानी कि 20 वोल्ट कम करके ये दे रहा है, जो कि हमारे एसी के लिए बिल्कुल ठीक है। 250 की सप्लाई इसके अंदर आ रही है तो ये उसको 220 में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब और बढ़ाते हैं तो 60 करके देखते हैं वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 260 मैंने सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं ये, और ये इनपुट दिखाएगा अभी 260 के आसपास पूरी इनपुट आ रही है इसमें। और आउटपुट अब ये कितनी दे रहा है आप देखिए दोस्तों, अब ये जो आउटपुट दे रहा है ये 240 के आसपास दे रहा है, 240 के आसपास ये आउटपुट दे रहा है। तो ये ठीक है, आपका एसी इस पे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 260 इसमें इनपुट देने पर, यानी कि 260 वोल्ट का अगर सर्ज हो जाता है कई बार, तो ये आपके एसी को सेफ रखेगा, 240 वोल्ट की सप्लाई वहां पर देता रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ाकर देखते हैं। तो अब यहां पर मैं 5 ही वोल्ट बढ़ा रहा हूं, पहले 265 मैंने यहां पर सेट किया है, आप देख सकते हैं, और यहां पर इनपुट में भी आपको 265 दिख रहा है। आप देखते हैं आउटपुट ये कितनी दे रहा है, तो आप देख सकते हैं 244 यहां पर आउटपुट दे रहा है ये। 265 वोल्ट की सप्लाई इसमें जब जाएगी तो ये आउटपुट 244 दे रहा है, और यही हमारा जो वर्किंग रेंज है एसी के लिए, ये उसका लास्ट ही पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको 200 से 245 ही रेंज बताया है। 200 टू 245 वोल्ट की जो वोल्टेज रेंज है वो ही ठीक रहती है किसी भी एसी को ठीक से चलते रहने के लिए। इसकी जो अपनी वोल्टेज वर्किंग रेंज है जो स्टिकर पर लिखी है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें इनपुट और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 270 पे मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 270 ही दिखा रहा था और आउटपुट ये 250, ये अब ज़्यादा है, तो यानी कि ये काम नहीं कर रहा 270 पे, इसने जो आउटपुट है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब और बढ़ाते हैं 275 पे भी, 275 पे अब ये कितनी दे रहा है आप देखिए, 253, ये भी ज़्यादा है। तो यानी कि 265 तक ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर 280 वोल्ट की सप्लाई मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं 280 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ रही है। इनपुट पे यहाँ पर शो करेगा आपको 280 वोल्ट, और आउटपुट यहाँ पर आपको दिखाएगा ये 258, ऑलमोस्ट 260, एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर आर एसी। तो 280 वोल्ट की सप्लाई को ये कम नहीं कर रहा है, उस रेंज में नहीं ला रहा है जिस रेंज पे हमारे एसी सही से काम करते हैं। तो 280 वोल्ट
और 150 वोल्ट जो इसके ऊपर लिखा है वो इसकी वर्किंग रेंज है बेसिकली, उतने पे ये बंद नहीं हो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे एसी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि 10-20 वोल्ट का आप वेरिएशन समझ के चलिए कि जो भी आप स्टेबलाइज़र ले रहे हैं उसके अंदर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे स्टेबलाइज़र हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं जो उनके ऊपर स्टिकर लगा होता है। तो ये तो हुई बात इसकी वर्किंग रेंज की, अब इसका हाई कट ऑफ फीचर भी चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये सप्लाई काट देगा, तो आपने कट की आवाज़ भी सुनी होगी, रिले ने सप्लाई जो है वो काट दिया, तो सप्लाई यहाँ पर 292 के आसपास हो गई है। तो इनपुट में यहाँ पर हाई शो कर रहा है, हाई का मतलब हाई वोल्टेज इसमें आ रही है, तो इसलिए इसने सप्लाई को काट दिया है। और जैसे ही मैं इसको कम करूँगा, 290 पे भी हाई आ रहा है, 285 पे भी यहाँ पर हाई शो कर रहा है, तो मैक्सिमम जो ये ले सकता है वो यहाँ पर आपको भी पता लग जाएगा, 280 से अभी भी ज़्यादा है इसीलिए वो हाई दिखा रहा है, 280 एक्यूरेट है ये, थोड़ा सा और कम करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा कम किया मैंने तो ये दोबारा से स्टार्ट हो गया और ये दोबारा से अपनी वर्किंग करने लगा। तो आप देख सकते हैं 275 की यहाँ पर इनपुट आ रही है इस मीटर में भी और यहाँ भी देख लीजिए आप, और आउटपुट ये दे रहा है उसी हिसाब से 253, लेकिन ये हाई वोल्टेज है हमारे एसी के लिए, ये ख़राब कर सकती है उसको। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किसी स्टेबलाइज़र का हाई लो कट ऑफ कैसे चेक किया जाता है और उसकी एक्चुअल रेंज का कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो स्टेबलाइज़र है इसके अंदर वाइंडिंग की अगर बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम की बाइंडिंग है, और उसको कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत डिटेल से बनाऊंगा मैं, ताकि आप खुद से भी अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।